नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर मैं आपको दुकान के बारे में बताना चाहूँगा। आपकी अपनी दुकान है या शोरूम है, और आप अपनी दुकान में शोरूम में किसी भी तरह का काम करते हैं, चाहे आप गारमेंट्स का काम करते हैं, चाहे आपका कॉस्मेटिक का है, चाहे आपका अपना मोबाइल का काम है, या आपका कपड़े का काम है, या आप कोई और आइटम सेल करते हैं, या आपका अपना क्लिनिक है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको अपनी दुकान के बाहर, अपने शोरूम के बाहर का वास्तु कैसे सही करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, यदि आप कोई शोरूम परचेज करने जा रहे हैं या किराए पर लेने जा रहे हैं, तो उसमें क्या सावधानी आपको बरतनी है लेते समय। आपके यहाँ जो फ्रंट का भाग है, यानी आपकी दुकान नॉर्थ फेसिंग उत्तर मुखी है, तो ऐसे में सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है, आपकी जो दुकान है, जो शोरूम है, वो रोड के लेवल से हमेशा ही ऊंची होनी चाहिए। रोड के लेवल से यदि आपकी दुकान नीची होती है, तो उसमें काम चलने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, जिनकी दुकानें रोड के लेवल से नीची हो जाती है, उनके यहाँ काम अच्छे नहीं चलते। सेकेंड पॉइंट आपने क्या ध्यान रखना है, जो आपका अपना बाहर का रोड है, जो सड़क है, जो गली है, वो हमेशा ही स्मूथ होनी चाहिए। उबड़ खाबड़, अप एंड डाउन, ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो आप उसको सही करें। ऐसा करने से भी आपका काम स्मूथ होता चला जाएगा। बाहर आपकी दुकान के बाहर यदि नाली बनी हुई है, क्योंकि एक छोटा सा एरिया फुटपाथ का निकाल दिया जाता है और उसके नीचे एक नाली बना दी जाती है, यदि आपके यहाँ ऐसे नाली बनी हुई है, तो उसमें आपने ध्यान रखना है, जो नाली है उसमें जो पत्थर लगे हुए वो अच्छे तरीके से कवर होने चाहिए और एक लेवल में होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। यदि एक स्लैब डली हुई है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। यदि स्लैब नहीं, छोटे पीसों में पत्थर के टुकड़े रखे हुए हैं, उनको अच्छे तरीके से मिलाकर एक लेवल में रखेंगे, तो मेरा अपना मानना है कि आपका काम सही होता चला जाएगा। एक बात का और ध्यान रखना है आपने, यदि आपके यहाँ बाहर फ्रंट में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, या इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है, या सूखा पेड़ है, तो आपने क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहले तो ध्यान रखें, यदि नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफार्मर आ जाता है या इलेक्ट्रिक पोल आ जाता है, तो आपने ऐसी दुकान परचेज नहीं करनी चाहिए। यदि आप ऐसी दुकान में बैठे हैं जिसके नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या इलेक्ट्रिक पोल है, और आप जरूरत से ज्यादा परेशान है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर या ट्रांसफार्मर के जो पोल है या उनके चारों तरफ जाली लगी हुई है, उन जाली के ऊपर स्काई ब्लू कलर का पेंट कराएंगे या ऑफ वाइट कलर का पेंट कराएंगे, तो मेरा अपना मानना है कि आपको रिलीफ जरूर मिलेगा, आपका काम पहले से बेहतर हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में सूखा पेड़ है और वो निकल नहीं सकता, तो उसके चारों तरफ आप बेल लगाएं, पेड़ के ऊपर बेल चढ़ाएंगे और चारों तरफ पौधे लगाएंगे, तो उसका असर काफी हद तक कम हो जाएगा। ऐसे ही यदि नॉर्थ वेस्ट में इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है या ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो एक टाइम को आप ऐसी दुकान का विचार कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आप दुकान परचेज करने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा कीमत की है, बात कीमत की नहीं है, दुकान सस्ती है या महंगी है, लेकिन आपने उसमें काम करना है, तो आपका काम अच्छा नहीं चलेगा, तो वो दुकान आपकी किसी काम की नहीं है। कोशिश करें कि आपके नॉर्थ के भाग में, फ्रंट में, चाहे नॉर्थ ईस्ट है, चाहे नॉर्थ है, चाहे नॉर्थ वेस्ट है, कोई पिलर, कोई इलेक्ट्रिक पोल या ट्रांसफार्मर नहीं आना चाहिए। आप ऐसी जगह में बैठे हैं जिसके नॉर्थ वेस्ट में इलेक्ट्रिक पोल है या ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या पेड़ लगा हुआ है, तो आपने जो उपाय करने हैं, इलेक्ट्रिक पोल है या ट्रांसफार्मर है, तो उसके ऊपर आपने ग्रे कलर का पेंट करवाना है, और पेड़ लगा हुआ है और सूखा हुआ पेड़ है, अगर आप उसे हटवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हटवा सकते तो उसके चारों तरफ बेल जरूर लगाएं, और वो बेल पेड़ के ऊपर चढ़ाएंगे, तो उससे उस पेड़ का असर काफी हद तक कम हो जाएगा। आपका अपना जो शटर लगा हुआ है, शटर के ऊपर जो पेंट करना चाहिए आपको, स्काई ब्लू कलर या ग्रे कलर का पेंट करना चाहिए। स्काई ब्लू या ग्रे या आसमानी कलर का पेंट करेंगे, तो मेरा अपना मानना है कि आपकी दुकान अच्छी जरूर चलेगी। इसी के साथ आपने एक बात और ध्यान रखनी है, आप अपने यहाँ फ्रंट में बोर्ड लगाते हैं, अपना
नाम का जो बोर्ड लगाते हैं वो बोर्ड किस कलर के होने चाहिए। यहाँ पर आप ग्रे कलर, वाइट कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ऑफ वाइट कलर ये यूज़ करेंगे तो मेरा अपना मानना है कि आपका काम अच्छा जरूर होगा। एक बात का और ध्यान रखना है, आपका फ्रंट का भाग कभी भी ऊंचा नहीं होना चाहिए। यदि आपका फ्रंट का भाग ऊंचा है और साउथ का भाग नीचा है तो भी आपका काम अच्छा नहीं चलेगा। इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है कि हमेशा ही साउथ का भाग ऊंचा हो और नॉर्थ का भाग नीचा हो। ऐसा करने से आपका काम स्मूथ हो जाएगा। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझे और विचार करें। आपने दुकान परचेज करनी है या किराए पर लेनी है तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और जो जो कमियां आपको लगती है आप नोटिस कीजिएगा और उन कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिएगा जिससे कि आपका काम बढ़िया हो। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं। और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेंगी, पेड रहेंगी। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या अपनी नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को समय पे पूरा करने के लिए और वास्तु दोष मुक्त बनाने के लिए सहायक जरूर होगी। हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को प्रिंट कराकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ भी उठाया है और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए हैं। आप भी हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा है अपने पिताजी के साथ रहकर प्रैक्टिकल सिखाया है और साथ में लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो इस पुस्तक को पढ़कर सीखा है। मेरे को वास्तु विजिट करते हुए 24 साल हो गए हैं और जो मेरा अपना 24 सालों का अनुभव है वो अनुभव आपके साथ में वीडियो के माध्यम से शेयर करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि अपनी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको जरूर दूँ। मैंने अपने YouTube चैनल पर 500 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।